देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत इजी था। इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक आर है, एक 1 ओम का, एक 3 ओम का है, और एक 3 ओम का साथ में कैपेसिटर भी दिख रहा है। एक आपको की भी दिख रही है, खाली है यानी ओपन है, तो कभी क्लोज भी होगी, एम राइट? आइए सबसे पहले इन्होंने कहा कि इनिशियली जो है कैपेसिटर अनचार्ज है और की इज ए ओपन है, ठीक है। अब देखें उत्तर में क्या पूछे हैं, कैन साहब रेजिस्टेंस बताइए वैल्यू। अब वहां की बंद भी कर दोगे तब भी रेजिस्टेंस तो पैसिव डिवाइस है, बदलेगा नहीं, ठीक, तो ओपन में ही निकाल लेंगे, आसानी से आ जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहे थे कि करंट आई वन निकालनी है, यानी दो बातें हम निकाल लें व्हेन इट इज ओपन, देखिए क्या होगा। और बड़ी आपको मजा आई, एक हमारे स्टूडेंट ने सवाल को देख के मुस्कुरा के बोला सर ये तो आप लगा ही देंगे। अरे बेटा मेरे लगाने से तुम थोड़ी ना IATN बन जाओगे, खुद लगाओ, देखो कितना आसान है। देखो 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 क्या कह रहे हैं कि ओपन है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है एक रेजिस्टेंस से, इससे जो है 1 एम्पियर की, तो दोस्तों देखो ये बड़ा पोटेंशियल है तो यहां से बढ़ेगी, एम ए राइट? और इतना जानते हो कि बड़काऊ है तो जब करंट निकालेंगे सबसे बड़ा यही दिख रहा है, ये 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट यहाँ दिख रहे हैं, तो एक करंट इधर जाएगी जो भी यहाँ से निकली होगी, एम ए राइट? और दूसरी यहाँ चली जाएगी और यहाँ पे रामू शामू मिल जाएंगे और फाइनली आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, अमा चार्ज होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी करंट समझ लीजिए, काम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि जब सर्किट ओपन है तो 1 एम्पियर की करंट बह रही है, और मैं जान रहा था तुम हंस के कहते सर लगा लेंगे, क्यों सर को ये दिखता है 1:1 V=IR, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बस ये दिखता है। और सर को ये भी दिखता है कि सर्किट ओपन है तो ये वाला सेक्शन गड़बड़ हो गया है। अगर हम इसको देखें तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है बेटा, 1 वोल्ट ये और 5 वोल्ट ये, 6 वोल्ट ये, यानी इस पॉइंट पे आपको 6 वोल्ट मिल रहा है, मिला इस करंट की वजह से वोल्टेज निकाल लिया, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप हो, इसको 5 वोल्ट ये दोनों मिल गया तो कितना हो गया, करंट तो यही जा रही थी ना आपकी, तो 6 वोल्ट हो गया। अब 6 वोल्ट जब मिल गया और सोती सर कहते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं तो इस वाले रेजिस्टेंस यानी 3 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज लग रहा है माय सन एंड माय डॉटर, 6 वोल्ट का, अम्मा ऊपर भूल जाओ भाई, यही तो वोल्टेज लग रहा है। और अभी इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे, तो करंट जो I1 निकल आई आपकी V/ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपका 3 था और वोल्टेज आपको 6 वोल्ट का मिल रहा था, तो 6/3 यानी 2 एम्पियर। चलिए जय सिया राम, T=0 बोलते हैं ना उन्होंने, T0 कर दिया। जब T0 यानी कि ऑन होने से पहले का समय, यानी जब ये ओपन थी उस समय, ऐसे सूरत हाल में आपको 2 एम्पियर मिल गया। अब देखिए, अब लगे हाथ यहीं से R भी निकाल लो। R कैसे निकालोगे, अरे भाई इस सर्किट को तोड़ लो, एक आपको 15 का दिख रहा है, एक आपको R दिख रहा है, और यहां पे आपको एक रजिस्टर वोल्टेज दिख रहा है, कितने का दिख रहा है बेटा, अभी अभी निकाला है 5 और 1 6 वोल्ट, तो इस सर्किट को इतना ब्रेक कर लो, इतना एम राइट, क्लोज सर्किट हो गई, जो भी करंट निकल रही होगी यहां पे निकालने दो उसको। अब यहां पे एक दिक्कत आ गई आपके सामने, क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं आ गई, जब आपने निकाल लिया कहीं साहब 2 एम्पियर की ये है, तो किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल जो कि करंट को होता है, तो भाई साहब यहां से जो करंट आई चली थी वो यहां 2 भागों में बटी थी, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, यानी कि, और ये घूम के 1-2 एम्पियर यहां से पहुंची क्योंकि ये तो ओपन है, इधर तो जाएगा नहीं, और ये घूम के रामू पहुंचे 1 एम्पियर, दोनों मिलके फिर से क्या बन गए, 3 एम्पियर, कंजर्व हो गई आपकी करंट भी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी, तो जिसको करंट कहते हैं कंजर्व करेगी। अब आपका काम बन गया बाबू, देखिए आपको इस सेक्शन की करंट मिल गई 3 एम्पियर की, यार नहीं निकाल लोगे, ये देखो यूं घूम रहे हो, चाहे सोती सर का नियम लगा दो ये वाला, या सिंपल 15 वोल्ट चला था, 6 वोल्ट इसको चाहिए था तभी ये आगे बढ़ेगी करंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 घटा दीजिए तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज
15 वोल्ट की बैटरी ने 6 वोल्ट को चार्ज किया, एम आई राइट? फोटो नहीं आ रही हमारी, और करंट आपकी 3 थी, यानी कि 3 एम्पेयर की करंट थी, यहाँ से निकाल ली थी आपने। तो ये हो गया आपका 9/3, यानी R बराबर 3 ओम, कुछ तो मिला आपको, यानी पहला और दूसरा ठीक हो गया। अब आइए यहीं से निकाल लीजिए, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको निकालना पड़ेगा करंट, यानी कि आपको टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। टाइम दे रखा है, टी दे रखा है, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। इसको थोड़ा रोक रहे हैं, अब ये वाला काम कर लेते हैं, डी वाले को चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, जब सोती सर ने क्या बताया, इसको की को क्लोज कर दो, तुम किसने मना किया, एम आई राइट? जब आपने क्लोज कर दिया और टी बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि हम एक शताब्दी तक याद करेंगे, जब ये फुल्ली चार्ज हो गया है, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। भैया जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इसके थ्रू करंट बहेगी? नहीं बहेगी। जब तक चार्जिंग हो रहा है तब तक करंट बह रही, जब फुल्ली चार्ज हो गया तो करंट नहीं बहेगी। और ये बैटरी देखिए 6 वोल्ट की थी, यहाँ पे तो पैरेलल में बराबर होते हैं, तो आपको लगेगा कि साहब 6 वोल्ट लगा हुआ है, बस सोती सर को इतना दिख जाता और कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये ना सोचो कि करंट हो गए सर्किट ओपन, बिल्कुल सही बात है। व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, सर्किट इज एज्यूम टू बी ओपन। इसका मतलब है कि ये जो आपने 6 वोल्ट निकाला था सवेरे सवेरे ताजा ताजा, वो पूरा पूरा 6 वोल्ट इस स्थिति में लग रहा होगा। और आपको क्या निकालना था, चार्ज। और बहुत सिंपल, एक ही आपके पास इक्वेशन होती है, Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है, 2 माइक्रो का, और वोल्टेज यही पैरेलल में वोल्टेज बराबर है, यही 6 वोल्ट लग रहा है, देखो 2 × 6, एम आई राइट? और यहाँ पे दिखा दें, V इंटू आई, 1 वोल्ट गए, 5 वोल्ट गए, 6 वोल्ट, और यहाँ पे भी आ जाएगा। ये देखिए 15 में से 6 गए, इसमें देखिए इस सेक्शन में 15 में से 6 गए, तो आपको 6 ही वोल्ट मिल रहा है, यानी पैरेलल में आपको देखिए पूरा, आईटी वाले बहुत शरीफ आदमी है, पूरा 6 वोल्ट कैपेसिटर के क्रॉस लगा रहे हैं। मामला इन्फिनिटी का हो गया है, यानी करंट नहीं बह रही है, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा पूरा 6 वोल्ट आपको लग रहा है, और आपने 6 × 12 माइक्रो कूलाम कर लिया है। हाँ, अब बचा एक, उसको भी टेस्ट कर ले यार, पूरे नंबर लेने हैं, तुमने तो कहा था सोती सर ये सवाल लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। अब देखिए टाइम कांस्टेंट है, अमा ये तुम्हें डराने के लिए था कि टी बराबर टी जीरो, टी बराबर जीरो से योर टाइम स्टार्ट, और उस जीरो को उन्होंने टी जीरो कह दिया और कुछ नहीं, बस ऐसे ही होता है। आईटी जब पहुंचोगे तो लगेगा कि ऐसा कुछ अवकाल नहीं है। टी बराबर जीरो से इतने टाइम पे पूछा है, इतने माइक्रो सेकेंड पे पूछा उन्होंने, करंट इन द कैपेसिटर इतनी होगी। आइए देखते हैं भैया, चार्जिंग हो रहा होगा तो करंट भी बह रही होगी। अब इसको मैंने काफी गंदा कर दिया है, मेरे पास रबर नहीं है, तो आप देख लीजिए, हम नया बना देते हैं आपको, और नया आपको बना देते हैं। आर कितने का निकला था बेटा, 3 ओम का, ठीक है, उसके बाद 1 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम निकला था बेटा, फिर 1 मिला आपको, फिर 1 मिला आपको, और फिर कैपेसिटर बाबू चार्ज हो रहे थे तभी तो करंट बह रही थी, ये मिले, देख लेता हूँ, 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 3 ओम, एम आई राइट? एक ओम, 3 ओम, 3 ओम, ठीक है। टाइम कांस्टेंट निकालना है, और टाइम कांस्टेंट आप जानते हैं टी बराबर आरसी होता है, और ये 2 माइक्रो कूलाम का है। तो भैया टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, देखो 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 देखो, देखो बायोस्कोप देखो, ये क्या है, अमा आईटीएन हो भाई, ये पैरेलल में है, यानी 1/3 प्लस इतना 1/3, ये बराबर हो गया, 3 एलसीएम ले लिया तो 1 + 1 + 1 + 3 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 5/3, यानी उल्टा कर दीजिए तो आपका हो गया ये 3/5 ओम,
एमएल राइट, ये लगा हुआ कैपेसिटर, और ये वाला जब ये हो गया तो अब आपको दिखने लगा सीरीज में, तो आपने कहा कि जो टोटल आर आ गया हमारा 3/5 + 3, एम आई राइट, 5 LCM ले लीजिए, 3 × 5 = 15 यानी 18/5 ओम। टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, देखिए बेटा 18/5, कैपेसिटर कितना है बेटा 2 μ, तो ये टाइम कांस्टेंट है तो माइक्रो हो गया, तो टी सेकेंड है तो माइक्रो सेकेंड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 36/5 μs, भाग कर दीजिए 7 × 5 = 35 इतना। ओ टाइम कांस्टेंट भी उतना है कि जितना आपको समय दिया गया, कहीं नित्य बात बताइए क्या होगा, अम्मा भैया फुल्ली चार्ज हो जाएगा, यही टाइम कांस्टेंट बताता है कि भाई साहब ये कैपेसिटर साहब है इतने समय में चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद सेचुरेशन में आ जाएगा। तो आपने कहा करंट निकालना, सोती सर ने बता ही दिया था यार, I0 = E - t/RC लगा देना, ये जो भी E लग रहा हो और जो भी इफेक्टिव आ रहा हो आपका काम बन गया दोस्त। बेचारे के क्रॉस लगा ही 6 वोल्ट है, चला था 15 ही, तो रास्ते में इतने ड्रॉप भी तो हो रहे थे, तो आप देखिए हमेशा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सब आपको यहाँ पे भी ड्रॉप हो जाएगा और आपको 6 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि E आपको 6 मिल रहा है, एम आई राइट। R कितना मिला था, R आपको मिला था 18/5, ऊपर चला गया E 7.2, और देखिए टाइम कांस्टेंट जो आपने RC से निकाला था वो भी 7.2 था, इसीलिए बहुत शरीफ आदमी है। ये हो गया 3, एम आई राइट, 5/3 - 1, और देखिए कितने शरीफ आदमी है, E की -1 की वैल्यू दे रखी है 0.36, तो आपने कहा 5/3 और 0.36 कटता चला गया, 3 × 3 = 3, 12, 12×5 = 60, 2 के बाद लगा देना, करंट भी आ गई, यानी 0.6 एम्पीयर की करंट बहेगी इतने सेकंड के बाद, और वह भी रही है, यही पूछ रहे थे, इसका मतलब क्या हो गया, ABCD करेक्ट हो गया। तो दोस्तों जो तुम्हारा विश्वास था मुझ पे कि सर कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोग बस ये वोल्टेज नहीं देख पाते हो, वोल्टेज देख लोगे बस काम बन जाएगा।